गुरुवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने शहर के मुख्य नालों का जायजा लिया और नालों की गहराई से सफाई करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य नालों के आसपास सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को भी सख्त निर्देश दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, पानी जो है 6 फीट नीचे होना चाहिए। इतना खास दो कि पानी का लेवल जो है दोबारा पानी पाने से ऐसा ना कि गलती निकल जाए। कहाँ तक करोगे, यहाँ से कहाँ तक ले जाओगे? बाउंड्री कहाँ पे? बाउंड्री कहीं नहीं, तो बाउंड्री के बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री तोड़ के ले जाओ। बाउंड्री के अंदर नाला है, यहाँ से तोड़ दो, तोड़ दो बाउंड्री, तोड़ दी कैसे बाउंड डाले भी होगी बाउंड्री। शुरुआत कराओ जो बीच में भी मान लो कोई विवाद आ रहा था, ठीक है, कितने घंटे काम किया है, लाख रुपये पूरा रिकॉर्ड रखोगे। आज से तुमको देना है तो एक कागज़ पे नोट करके रख लो, तुम्हारी जो है बुकलैंड में कितना जो है नाले सफाई के तेल खर्च हो रहा है, ये पूरा जो है अलग से इसका डिटेल रिकॉर्ड मिलेगा। जाओ काम करो। गोरखपुर शहर में जल जमाव की समस्या से, सीवर के निस्तारण की समस्या से निस्तारण के लिए इस वक्त बृहद कार्य योजना बनाते हुए सभी 230 नाले जो हमारे, इनकी सफाई का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज 11 प्रमुख नाले हैं, इनमें से एक ये आज नाला है जहां पे हम सब लोग खड़े हैं, इसकी सफाई का कार्य यहां से आज से प्रारंभ किया गया है। आज से ये अनवरत अभियान चलता रहेगा। इसमें जो नाले हैं इनमें जो गाद जम गई है, जो सिल्ट जम गई है, इसको पूरा नीचे से खुदाई करके तली झाड़ सफाई की जाएगी, पूरी सिल्ट को हटाया जाएगा ताकि पीछे से आ रहा नाले का पानी निर्बाध रूप से आगे जा सके। इस नाले की सफाई के लिए अलग से अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। आज 3 प्रमुख नाले, बसियाडी और एक इलाहीबाग और एक सर्किट हाउस के पास से पैडलेगंज, इन 3 नालों की सफाई का अभियान शुरुआत किया गया है, जिसमें सभी जोनल अधिकारी और मैं नगर आयुक्त खुद इस अभियान की देखरेख करेंगे। जितनी सिल्ट निकलेगी उस निकली हुई सिल्ट की फोटोग्राफी कराई जाएगी, जितना तेल का अपव्यय होगा अलग से उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि हम इस अभियान पे किए गए कार्य में आने वाले खर्च को भी लेखा जोखा बना सकें। कार्य में जो मैन पावर लगाया जाएगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और अलग से इसके लिए मैन पावर स्वीकृत किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि आने वाले बरसात से हम पूर्वानुमान लगाते हुए इस प्रकार तैयारी करें कि किसी भी प्रकार की जल जमाव की समस्या ना आने पाए।
जी हाँ, आपके विभाग से और जर्नलिस्ट से मुकदमा भी इस तरह। जी हाँ। अली भाई जी, इसको जितनी जल्दी हो सके बता लीजिए। सरकारी जमीन से अवैध करते हैं, इसका सब भूमाफिया को लेकर के लोग पैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे। पूरा देश सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हैं। अंदर जो गया फिर ऊपर आ नहीं पाएगा, गिरने के अंदर चला जाएगा फिर निकल नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं होगा अपने को नहीं। जो अंदर गया टूटेगा, अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। चल रहा है। अरे लड़के कहा बाहर निकले, नाले के ऊपर कोई न खड़ा हो भाई। अंदर गया फिर नीचे जो जला जाएगा वो नहीं निकल। अरे उससे कहो, अरे सब मर जाएंगे। हटाओ उधर, बाहर निकाल दीजिए नाले में से। बुला ला उधर, बुला ला सबको उधर से बाहर आओ। बाहर निकल जाओ, जाओगे सीधे उसके अंदर पानी है, गिर गए तो निकल नहीं पाओगे अंदर से। लड़कों को हटा दे, उसके ऊपर न चले जरा सा भी। कहीं सफाई व्यवस्था में बाधा है? जी जी, निश्चित रूप से सफाई व्यवस्था में अवैध कब्जे बहुत बाधा हैं। जो नाले हैं जहाँ पे रास्ते सकरे हैं, उन रास्तों पे भी खासकर जो है नालों के किनारे जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं उसकी वजह से वहाँ पे लोडर को ले जाने में, वहाँ पे पुकलैंड मशीन को ले जाने में, जेसीबी ले जाने में दिक्कतें आ रही हैं। हम उनसे बात भी कर रहे हैं और जो भी नालियों के ऊपर पट्टियाँ लगी हैं उनको हटा के हम तली झाड़ साफ कराई करेंगे, और जहाँ पे अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा उसको हटाने की भी कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता लागू है इसलिए हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। अगर आचार संहिता प्रभावित है लेकिन सभी लोगों को